दोस्तों, अक्सर बारिश के मौसम में मच्छरों के कारण डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और इसी दिक्कत के कारण अब वैज्ञानिकों ने देश में डेंगू चिकनगुनिया कम करने के लिए एक नया आविष्कार किया है। उन्होंने नए प्रकार के मच्छर को विकसित किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर VCRC ने इस समस्या के समाधान के लिए नए प्रकार के मच्छर बनाए हैं। उन्होंने फीमेल मच्छरों का आविष्कार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फीमेल मच्छर मेल मच्छर के साथ मिलकर ऐसे लार्वा पैदा करेंगे जो डेंगू चिकनगुनिया वाले मच्छरों का खात्मा कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फीमेल मच्छर आखिर कौन से मच्छरों के साथ लार्वा बनाएंगी, तो हम आपको बता दें कि डेंगू चिकनगुनिया के मच्छरों के अलावा और भी कई किस्म के मच्छर होते हैं और उन्हीं के साथ मिलकर ये मादा मच्छर ये काम करेंगी। हम आपको बता दें कि VCRC इस प्रयोग को पिछले 4 साल से करने की कोशिश कर रहा है। VCRC के डायरेक्टर डॉक्टर अश्विनी कुमार का कहना है कि इन मच्छरों को लोकल क्षेत्रों में छोड़ने के लिए कई प्रकार की सरकारी अनुमति चाहिए होगी। हमने डेंगू और चिकनगुनिया को खत्म व नियंत्रित करने के लिए ही ये खास मच्छर बनाए हैं। हम मादा मच्छरों को छोड़ेंगे ताकि वह नर मच्छरों के साथ मिलकर ऐसे लार्वा बनाएं जो इन बीमारियों के वायरस से पूरी तरह मुक्त होंगे। डॉक्टर अश्विनी कुमार ने आगे कहा कि इन मच्छरों को छोड़ने की हमारी पूरी तैयारी है, केवल सरकार की तरफ से अनुमति मिलने का इंतजार है। जैसे ही सरकार इसके लिए अनुमति देती है, हम इन विशेष मादा मच्छरों को लोकल क्षेत्रों में छोड़ देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन मच्छरों को क्या नाम दिया गया है, तो हम आपको बता दें कि इन मच्छरों का नाम एड्स एजिप्टाई है, जो डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस को नहीं फैलाएंगे बल्कि जड़ से खत्म कर देंगे। पुडुचेरी स्थित ICMR VCRC द्वारा एडिस एजिप्टाई की 2 कॉलोनियां विकसित की गई है। इन्हें WMEL और WAIBB बॉलबशिया स्ट्रेन से संक्रमित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो मच्छर दुनिया भर में सबसे ज्यादा डेंगू फैलाते हैं, और तो और मच्छर को दुनिया का सबसे घातक जीव भी माना जाता है। इसके काटने से फैलने वाली बीमारियों से हर साल दुनिया में करीब 4 लाख लोगों की मौत होती है और इसी कारण यह मच्छर बनाए गए हैं ताकि हम ऐसे मच्छरों को मार सके जो डेंगू और चिकनगुनिया फैलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मच्छर कहीं ज्यादा मच्छर पैदा न कर दे, तो हम आपको बता दें कि वैज्ञानिकों की टीम मच्छरों की प्रजनन संबंधी सेहत यानी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मच्छरों की पैदा करने की क्षमता कम या खत्म होती है तो कम मच्छर पैदा होंगे, इससे मच्छरों की आबादी में कमी आ जाएगी। लेकिन इस सब से एक बड़ी चुनौती ये है कि कहीं मच्छरों की प्रजाति ही खत्म ना हो जाए, वरना इसका नेचर पर उल्टा असर भी पड़ सकता है, क्योंकि मच्छर फूड चेन का एक अहम हिस्सा होते हैं। इनके खत्म होने से नेचर पर काफी असर पड़ सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।